सहना सहना सह नवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्गर्वा शव ओ शांति 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 जी अनुमिति करने में क्या क्या साधन बनते हैं हमारे पास क्या क्या होना चाहिए अनुमान प्रमाण से किसी वस्तु का ज्ञान करने में क्या क्या होना चाहिए क्या क्या होना चाहिए परामर्श करण दो ही होने चाहिए ना तो परामर्श क्या होता है व्यापार और परामर्श में और अंतर्निहित क्या विषय होता है परामर्श में क्या क्या होता है व्याप्ति और पक्ष धर्मता परामर्श के दो विषय होते हैं परामर्श के क्या क्या विषय होते हैं जोर से बोलो व्याप्ति और पक्ष धर्मता तो अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं व्याप्ति कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की होती है है ना तो उनमें से जो पहले प्रकार की व्याप्ति है उसका क्या लक्षण है बोलिए पहले प्रकार की जो व्याप्ति है उसका लक्षण क्या है सभी मिलके बोलो साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध ये है उसका लक्षण पहले वाली व्याप्ति क्या है साध्यवत अन्य असंबंध क्या है बोलिए सारे मिलके अब इसका अर्थ क्या है साध्यवत अन्यस्मिन् असंबंध है इस व्याप्ति का इस लक्षण सूत्र का अर्थ क्या है माने साध्यवाला, साध्यवत माने साध्य वाला साध्यवान कह लो इसको साध्यवत से भिन्न साध्यवत अन्य साध्यवत से भिन्न या साध्यवान से भिन्न का भिन्न में साध्यवान से भिन्न में असंबंध असंबंध होना हेतु पीछे से आ रहा है साध्यवान से भिन्न में हेतु का असंबंध होना या अभाव होना एक ही बात है साध्यवत या एक ही बात है है ठीक तो साध्यवान से भिन्न में हेतु का असंबंध होना या अभाव होना इसे क्या कहते हैं व्याप्ति कहते हैं ये हम पढ़ रही थी तो ये व्याप्ति चाहिए एक तो और पक्ष धर्मता चाहिए तो परामर्श पूरा हो गया उसके अतिरिक्त और क्या चाहिए करण करण मतलब करण क्या होता है करण दो चीजों से मिलके बन रहा है यहाँ पे एक हेतु और एक व्याप्ति का ज्ञान इन दो को मिलाकर के ये साधन बनेगा अनुमिति कराने में करण क्या है व्याप्ति ज्ञान पूर्वक हेतु का ज्ञान कारण क्या है हाँ व्याप्ति ज्ञान पूर्वक हेतु का ज्ञान पहले उसको व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए कि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि होती है इसका ज्ञान होना चाहिए इस ज्ञान का संस्कार होना चाहिए चित्त में और फिर कहीं उसको धूम दिखाई दे तो फिर इस कारण से इस साधन से वो अनुमान प्रमाण से जान लेगा कि यहाँ पर भी अग्नि है तो ये जो हमने परामर्श में दो प्रकार की व्याप्ति होती है और एक व्याप्ति का जो हमने उदाहरण बोला साध्यवत अन्यस्मिन असंबंध तो व्याप्यो नाम है व्याप्त व्याप्ति के आश्रय जो रहता है वो व्याप्य है तत्र व्याप्ति का व्याप्ति क्या है तो उसका लक्षण बता रहे हैं व्याप्ति रीति व्याप्ति क्या है साध्यवत अन्य व्याप्ति रीति तो इन्होंने कहा कि साध्यवत से भिन्न में जो हेतु का असंबंध या अभाव होता है उदाहरित मान कथित जो अभाव कहा गया है वही व्याप्ति है अब ये उदाहरण दे रहे हैं वह निमान तो पर्वत अपनी तरफ से हमने अध्यार कर लिया पर्वत वनिमान या महानस वर्णिमान कोई भी उदाहरण ले लो ये अग्नि वाला है और हेतु क्या दिया धोमात तो ये एक उदाहरण है हमारे सामने इत्याद तो इस उदाहरण में साध्य क्या है जिसे हमें सिद्ध करना है वो साध्य क्या है बोलिए आप बोलते जाओ फटाफट और सबको साथ मिलके बोलना है साध्य क्या है साध्यवान क्या है साध्यवान है पर्वत महानसादी है ना इन्होंने कहा महानस आदि हमने ले लिया पर्वत कुछ भी ले सकते हैं जो अग्नि वाला. वाला. वाला कौन कौन हो सकता है किस किस को ले सकते हैं हम अग्नि वाले में पर्वत ले सकते हैं अग्नि कहाँ कहाँ रहती है पर्वत पे लगती है ये किचन में रहती है स्मशान घाट ले सकते हैं यज्ञशाला ले सकते हैं घर का रसोई घर ले सकते हैं तो हैं उसमें उस प्रकार की अग्नि नहीं होती है यहां हम जो उदाहरण लेके चल ना तो यद्यपि आजकल रसोई घर में भी इस प्रकार की अग्नि नहीं है गैस वाली है तो आप चाहे तो ले सकते हैं कोई फैक्ट्री भी ले सकते हैं तो ये सब क्या है साध्यवान तो हमने क्या लिया साध्यवान में पर्वत को तो इन्होंने बनाया कि पर्वतो दिया अब यहां इस उदाहरण में साध्य है है वहनी साध्यवान पर्वत तद अन्य। उससे अन्य क्या है जलहरदादी आदि जल आदि माने तालाब तद अवृत्तित्वम वो क्यों लिया हमने क्योंकि हमने व्याप्ति क्या बनाई थी साध्यवान से भिन्न में हेतु का अभाव तो साध्यवान से भिन्न हमने लिया तालाब और वहां हेतु का अभाव है हेतु क्या है हमारे पास धूम तो तालाब में धूम नहीं होती है ठीक है तो ये व्याप्ति का लक्षण हमारा क्या हो गया पूरा हो गया जल आदि तद अवृत्तित्व तद कस्य तद मतलब उस हेतु का धूम का तो जो जल हरद आदि है वहां उस धूम का न होना उसका अभाव है अभाव इति लक्षण तो ये इस हमने सूत्र में व्याप्ति का लक्षण कर दिया और उदाहरण में उसको घटा करके दिखा दिया ठीक है व्याप्ति निर्दोष अब ये कह रहे हैं कि थोड़ी चेकिंग कर लेते हैं एक उदाहरण में तो व्याप्ति को घटा दिया दूसरे उदाहरण में कहीं बाहर तो नहीं जा रही है व्याप्ति तो उदाहरण चेंज कर रहे हैं तो उदाहरण क्या बनाया पर्वतो धूमवान पहले क्या था पर्वतो अभी क्या किया पर्वतो धूमवान हेतु क्या दिया वहने पंचमी बोलो हेतु क्या है वहने वहनी नहीं वहने वहने इत्यादि अब यहां पर साध्य क्या है साध्य क्या है धूम पर्वत थोड़े ना साध्य है साध्य क्या है धूम साध्यवान क्या है हेतु क्या है तो और इससे इससे अन्य इन्होंने क्या लिया तप्ताये पिंडा आदव तपता हुआ पिंड तो कह रहे हैं इसमें देखो धूमवान पर्वत है वहनी इसका हेतु है और साध्यवत से अन्य अन्य साध्यवत अन्य कहा ना सूत्र में तो साध्यवत हो गया पर्वत और उससे अन्य क्या लिया हमने एक गोला तो वहां पर भी क्या है वहां अग्नि का संबंध है या असंबंध है इस उदाहरण में संबंध है या असंबंध है संबंध है और सूत्र क्या कहता है कि वहां क्या होना चाहिए असंबंध तो इसका मतलब व्याप्ति तो घटी नहीं तो इसका मतलब आपका लक्षण तो ठीक नहीं है क्योंकि आपने क्या कहा था साध्यवान से भिन्न उसमें हेतु का असंबंध या अभाव तो यहाँ साध्यवान तो पर्वत है उससे भिन्न अग्नि का गोला है और उसमें तो हेतु का अभाव नहीं है असंबंध नहीं है बल्कि क्या है संबंध है तो इसका मतलब व्याप्ति वाला जो आपने लक्षण बनाया वो तो ठीक नहीं है वहां तो आपने घटा दिया था लेकिन यहाँ तो नहीं घट रहा है तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं पर भी घटेगा, अतिव्याप्ति होगी, यद्यपि ऐसे लग रहा है कि यहाँ नहीं घटेगा लेकिन यहाँ पर कैसे घट जाएगा ये कह रहे हैं अः पिंडादो वह सत्वात न अतिव्याप्ति यद्यपि यहां पर वहनी का संबंध है लेकिन वहनी का संबंध होते हुए भी यहाँ अति व्याप्ति नहीं होगी लक्षण की क्यों नहीं होगी कह रहे इसलिए नहीं होगी कि जो हमने सूत्र में साध्यवत शब्द कहा था ना साध्य वाला तो वहां पर हमने संयोग संबंध से लिया था हमारा जो साध्यवान है वो क्या था संयोग संबंधे न साध्यवान गृहित असमि हमारे द्वारा जो साध्यवान ग्रहण किया गया था वो कैसा ग्रहण किया गया था संयोग संबंधे ने इसलिए उसका असंबंध भी किस में देखना है संयोग संबंधे ने और यहां पर अग्नि कहा कैसे है समवाय संबंधे न ठीक है तो यहां तक ये यह पूरा हो गया तो लक्षण हमारा ठीक है अतिव्याप्ति नहीं हुई मात्र एने संबंधेन साध्यम तेन संबंधेन साध्यमान बोध्यः अन्यथा समवाय संबंधेन वहनीमान वहने वहने अव्यव ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो देखो यहां पर एक और उदाहरण ले रहे हैं ये अन्यथा क्या हो जाएगा हमने कहा वहनीमान कौन वहने अवय जो वहनी का अवयव है एक अवयव वो क्या है वहनीमान वहनी वाला है ना वो भी तो यहां पर कहा वहनीमान वहने अव्यवह तद अन्यो महानस आदि यहां समवाय संबंध से रह रहा है ना एक जो अग्नि का अवयव है वो भी क्या है वहनी वाला है तीसरा उदाहरण चल रहा है अभी तो साथ साथ चलना आगे पीछे मत होना दिमाग को मेरे साथ साथ ही लेके चलना तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है वहनी अवयव वहनीमान वहनी का जो अवयव है वो भी वहनीमान है तो अब इस वहनीमान जो अवयव है इसमें धूम का संयोग है कि नहीं है वहनी के एक अवयव में भी धूम का हेतु का संयोग है कि नहीं है अग्नि के एक अवयव में धूम का संबंध है नहीं है वही अग्नि पर्वत वाली कोई भी अग्नि अग्नि का एक अवयव है उसमें धूम का संबंध है नहीं है अच्छा तो ये कह रहे हैं वहनी मान वहने अवयव और उससे भिन्न क्या होगा तद भिन्न पर्वत के ऊपर वहनी है उसका एक अवयव ले रहे हैं अब हमारा अब हमारा साध्य क्या है हमारा साध्य क्या है वहनी अवयवे वहनित्वम वहनी का जो अवयव है उसमें वहनी को देखना है ना हमारा वो साध्य है जैसे हम वहां पर हमारा पर्वत के ऊपर अग्नि है पर्वतो वहनी मान तो वहां पर हमारा साध्य क्या था वहनी तो यहां वहनी अवयव में भी हमारा साध्य क्या है वहनी 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 अवयव में साध्य क्या है वहनी तो वहनी के एक अवयव में भी वहनी रहती है कि नहीं रहती है रहती है ठीक है तो ये हो गया हमारा साध्यवान वहनी अवयव इससे भिन्न क्या है इससे भिन्न क्या है महानासधि जहां वहनी नहीं है तद भिन्न अवयव से भिन्न अभी हमारा साध्यवान है अवयव वहनी का एक अवयव और उसमें वहनी रहती है तो इसका इससे भिन्न किसको लेंगे हम ले लो किसी को भी ले लो ना भाई जहां अग्नि का अवयव नहीं है उसको ले लिया हमने तो यहां हमने लिया किसको लिया महानस आदि को लिया तो यहां पर क्या होने लगेगा व्यमान वर्ण अवयव तदन्यो महानस आदि तत्र धूमस विद्यमानत्वात् और वहां पर धूम है कि नहीं है महानस आदि में धूम का संयोग है नहीं है है तो हमारी यह व्याप्ति खंडित हो जाएगी रसोई घर जहां वो रहती है अग्नि रहती है उसको महानस कहते हैं तो वहां यदि धूम है तो हमारी व्याप्ति तो घटेगी नहीं ना हमारी व्याप्ति का लक्षण क्या कह रहा था साध्यवान से भिन्न में हेतु का अभाव तो साध्यवान क्या था हमारे पास यहाँ वहनी अवयव में वहनी और हेतु था वही धूम और वहां हमने इससे तद भिन्न लिया महानस आदि तो महानस में भी इसका संयोग नहीं होना चाहिए जो हमने लक्षण बनाया तद भिन्न में हेतु का असंबंध होना चाहिए लेकिन यहाँ तो संबंध हो रहा है और ये जो महानस आदि है ये सद स्थल है या असद स्थल है इस व्याप्ति का सद स्थल है या असद स्थल है व्याप्ति क्या कह रही है यत्र धूम तत्र तत्र वहनी तो यहाँ तो धूम है और यहाँ वहनी भी है तो यहाँ पर तो व्याप्ति का लक्षण घटना चाहिए लेकिन यहाँ तो घट नहीं रहा है जो हमने उदाहरण लिया कि वहनी अवयवो वहनीमान और तद भिन्न लिया हमने रसोई घर महानस और वहां तो धूम का संयोग है संबंध है तो संबंध होने से ये लक्षण तो नहीं घटेगा व्याप्ति तो नहीं घटेगी तो यहाँ क्या होने लगेगी अव्याप्ति इसको कहते हैं लक्षण की अव्याप्ति जहां घटना चाहिए था क्योंकि ये तो सद स्थल है ना यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि तो किचन में धूम होता है तो में अग्नि भी होनी चाहिए तो ये हमारी व्याप्ति का सदस्थल था लेकिन यहां लक्षण नहीं घट रहा है नहीं घट रहा है तो इसको कहते हैं अव्याप्ति दोष जहां घटना चाहिए था वहां भी नहीं घट रहा है और जो पहले हमने लिया था वो आयोपिंड उसको कहते हैं अतिव्याप्ति दोष जहां नहीं घटना चाहिए था वहां भी घटने लगे तो यहाँ अव्याप्ति दोष आने लगेगा ये कह रहे हैं महानस आदि तत्र धूम से विद्यमान अव्याप्ति प्रसंगात अव्याप्ति का प्रसंग होने से तो अब यहाँ आपको बताना पड़ेगा क्या बताना पड़ेगा साध्यवत साध्यवत्व साध्यवत्व अव छिन्न प्रतियोगिता केदवान बोध्य कह रहे हैं ये जो आपने सूत्र में कहा ना साध्यवत्म में असंबंध बताया जो हेतु का तो उससे जो तद भिन्न लेंगे तद भिन्न में हमें दो भिन्न दो प्रकार के होते हैं एक किंचित भेद वाला और एक आकृति यहाँ तो साध्य कर दिया वो नहीं तो आकृति कुछ भी डाल डाल दो यहाँ पर साध्य है तो साध्यवत्व कहीं घट है तो घटत्व तो यहाँ साध्यवत्व अवचिन प्रतियोगिताक भेद लिया है आप ये समझ लो एक भेद होता है यथ किंचित भेद एक होता है पूरी जाति का ही भेद यथ किंचित भेद में क्या होगा ये मनुष्य इस मनुष्य से भिन्न है तो ये दोनों भिन्न है कि नहीं है मनुष्य भिन्न है लेकिन भेद कितना है थोड़ा है मनुष्यता का भेद नहीं ना है मनुष्यता की दृष्टि से भिन्न है क्या आप लोग मनुष्यता की दृष्टि से जाति की दृष्टि से भिन्न नहीं है जाति की दृष्टि से मनुष्य से भिन्न क्या है मनुष्य को छोड़कर कुछ भी हो सकता है ये फूल भी घट भी पट भी सब क्या है भिन्न है जाति तो ये कह रहे हैं यहाँ हमने जो तद्भिन्न कहा साध्यवत अन्यस्मिन् साध्यवान से भिन्न तो वहां साध्यवान से भिन्न में हमने आकृति वाला भेद लिया है साध्यवतव अवचिन्ना प्रतियोगिताक भेद बताया था ना उस दिन तो इससे क्या होगा जब आपने कहा कि वहनी अवयवो वहनी मान वहनी का एक अवयव भी वहनी मान है धूमत्वात और तद भिन्न तद भिन्न लेंगे तो फिर आप महानस आदि नहीं ले सकते हैं क्यों नहीं ले सकते हैं महानस आदि क्योंकि महानस आदि तो यथ किंचित भेद से वहनी मान ही है उसी जाति वाले हैं ना अग्नि वाला अग्नि वाला सारे एक ही जाति वाले हैं ना पर्वत भी अग्नि वाला किचन भी अग्नि वाला यज्ञशाला भी अग्नि वाला स्मशान घाट भी अग्नि वाला तो तद भिन्न में आपको कौन सा लेना है यत किंचित वाला नहीं लेना है तो कौन सा लेना है जो जातिगत बिल्कुल भिन्न उससे इसलिए हमने ऊपर क्या लिया था जल हृद तद भिन्न में हम दूसरा पर्वत या मानस आदि भी ले सकते थे ना तो हमने जल हरद क्यों लिया क्योंकि यहां सूत्र में ये अंतर्निहित बात है ये हमें बतानी पड़ेगी कि जो हमने व्याप्ति का सूत्र बनाया जो हमने लक्षण बनाया और जो हमने ये कहा साध्यवत तो साध्यवत से भिन्न साध्यवत से भिन्न में हम आकृति अवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद मानते हैं हम जाति वाला भेद मानते हैं माने उस जाति वाला भी कोई तद भिन्न नहीं बनेगा जब हमने कहा कि इस मनुष्य से अलग तो इस मनुष्य से अलग कोई मनुष्य नहीं लेना है बल्कि इस मनुष्य से अलग कोई इतर जाति वाला पदार्थ ग्रहण करना है तो फिर दोष नहीं आएगा क्योंकि यहाँ अव्याप्ति तो आ रहा था ना तो कह रहे हैं यह अव्याप्ति नहीं होगी यहाँ तो लक्षण घटित तो हो जाएगा क्योंकि हमें तद भिन्न में हमें क्या लेना है जो इस जाति वाले से यथ किंचित भेद नहीं लेना है तो उसमें महानस आदि नहीं बनेगा उदाहरण समझ में आ गया तेना हाँ। हैं साध्यवत्त से भिन्न पर्वत आदि से भिन्न हमें क्या लेना है साध्यवत्व अवचिन्न प्रतियोगिताक भेदवान साध्यवत्व से अव छिन्न भेद वाला ही कोई पदार्थ लेना है ये तो यंचित भेद वाला है महानस आदि तो।, तो तेन वीम तो महानस आदिर भिन्ने पर्वत आदो धूम सत्वेपि न क्षति ही तो जब हमने सूत्र में ये लिया है क्या लिया है जातिगत भेद न व्यक्तिगत भेद ये होता है व्यक्तिगत भेद व्यक्तिगत भेद हमने नहीं लिया सूत्र में हमने क्या लिया है जातिगत भेद तो जब जातिगत भेद लेंगे तो महानस आदि में अव्याप्ति नहीं होगी तो सूत्र हमारा सिद्ध हो गया घटित हो गया सूत्र में हमारे कोई त्रुटि नहीं आई तो कह रहे हैं इससे जब हमने ये भेद लिया है तो तेन यतकिचित वहनी मतो भेद से जो जो भी वहनी मान है महानस जो रसोई घर आदि हैं महानस आदे भिन्न महानस आदि में जो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, भिन्न पर्वत आदि पर्वत आदि पर्वत को उदाहरण लेंगे तो महानस आदि भिन्न हो जाएंगे महानस को उदाहरण बनाएंगे तो पर्वत आदि भिन्न हो जाएंगे तो यथ किंचित भेद वाले जो हैं, उनमें धूम सत्वे अपि, धूम का संयोग होने पर भी वहां पर अव्याप्ति नहीं होगी माने लक्षण की कोई क्षति नहीं होगी कोई हानि नहीं होगी समझ में आ गया दोबारा ऊपर इन्होंने उदाहरण क्या लिया तीसरे नंबर पे वहनी अवय वहनी मान, ठीक है वहनी का एक अवयव है वो भी वहनी मान है ना और हेतु क्या है धुमात और उसका साध्यमान कौन है अब हमारे पास यहाँ साध्य हो गया वहनी अवयव और साध्यवान कौन हो गया पर्वत पर्वत वो वहीं पर ही है ना वहनी का एक अवय भी तो वहीं है ना तो साध्यवान से किसको लेना है पर्वत को तो साध्यवान से भिन्न अब हमारे पास साध्यवान हो गया पर्वत हेतु हो गया धूम और तद भिन्न में साध्यवान से भिन्न में हेतु का असंबंध देखना है तो तद भिन्न हमने लिया महानस रसोई घर और वहां हमने देखा कि वहां धूम का असंबंध नहीं है वहां तो धूम है रसोई में तो धूम होता है ना तो हमारा ये क्या होने लगा खंडित होने लगा हमारे लक्षण में क्या दोष आने लगा अव्याप्ति दोष अव्याप्ति दोष क्यों आने लगा क्योंकि वहां तो लक्षण घटना चाहिए वो सदस्थल है ना व्याप्ति का और लेकिन ये तो नहीं घट रहा है हमारा

तो साध्यवान से भिन्न जो हम लेंगे वो वो लेंगे जो जातिगत भिन्न है न कि व्यक्तिगत भिन्न रसोई महानस आदि क्या है व्यक्तिगत भिन्न है उसी जाति वाले हैं सारे अग्नि अग्नि वाले ही हैं तो उस जाति वाले को हम तद भिन्न से ग्रहण नहीं करेंगे बल्कि किसको ग्रहण करेंगे आकृतिगत जो तद भिन्न है जैसे वहां हमने आकृतिगत तद भिन्न का ग्रहण किया था जल हृद में क्योंकि जल हृदय कभी भी अग्नि वाला नहीं हो सकता है तो इसलिए हमें यहाँ पर किसका ग्रहण करना है तद भिन्न में जल नहीं नहीं जलह नहीं कोई भी ले लो आप लेकिन वो वो होना चाहिए जो आकृतिगत भेद वाला है व्यक्तिगत भेद वाला नहीं है तो इससे ये हमारा दोष नहीं आएगा ना महानस आदि उदाहरण हम नहीं लेंगे यहां पर हम क्या उदाहरण लेंगे कोई ऐसा उदाहरण लेंगे जहां पर जो अग्नि वाला नहीं है तो जल हरदादी लेंगे वही हमने लिया है ऊपर तो हमारी व्याप्ति में कोई दोष नहीं आएगा तो इन्होंने दोनों दोषों का निराकरण कर दिया कि सूत्र जो हमने बनाया है ये हमारा बिल्कुल ठीक है जो हमने व्याप्ति का लक्षण बनाया ये बिल्कुल ठीक है कुछ भी लो आप जहां पर अग्नि का धूम का संयोग नहीं है ले सकते हैं यदि वहां पर धूम का संयोग नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं आप बर्फ की शिला ले सकते हैं तो आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन तद भिन्न में क्या लेना है जो भेदुआन है उसका लेना है वो ही कह रहे हैं ये तेना यत वहनी मतो महानस आदे भिन्ने पर्वत आदो धूम सत्वी न क्षति ही ये हेतुता तेन एव संबंधे न साध्यवत अन्य वृत्तित्व अब ये यहाँ तक पूरा हो गया लक्षण जो है ना हमारा लक्षण का पहले हमने समन्वय किया उसका उदाहरण दिया पर्वतो वहनीमान हेतु दिया धोमत्वात् तद भिन्न में हमने लिया जल और वहां हमने हेतु का असंबंध दिखाया व्याप्ति का लक्षण पूरा हुआ फिर उसके बाद हमने जो तप्त पिंड आदि है वहां पर व्याप्ति के दोष से मुक्त किया अपने लक्षण को और वहनी और उससे भिन्न महानस आदि का उदाहरण देके अव्याप्ति दोष से मुक्त किया लक्षण को तो अब हमारा ये लक्षण सर्वगुण संपन्न हो गया कोई दोष नहीं है ना इसमें ठीक है अब इसके आगे ये कह रहे हैं कि आपने साध्यवान की दृष्टि से तो निर्दोष साबित कर दिया अपने व्याप्ति के लक्षण को पर हेतु के हेतु तो देखा ही नहीं आपने अभी हेतु की तो बात करो तो अब उसके बारे में कह रहे हैं ये एक अगली बात कह रहे हैं ये हेतु संबंधे साध्यवत अन्य अवृत्ति बोध्यम तेन साध्यवत अन्य धूमवान अवयव धूम से समवाय संबंधेन अपि न क्षति अब हेतु की दृष्टि से दोष दिखा रहे हैं साध्यवान की दृष्टि से साध्यवान और तद इस दृष्टि से कोई दोष नहीं है ना अतिव्याप्ति दोष है ना अव्याप्ति दोष है लेकिन हेतु की दृष्टि से अब दोष दिखा रहे हैं देखिए तो पहले अगली पंक्ति पढ़ रही हूँ उसके बाद यहां आऊंगी ये न संबंधी अगले वाली पंक्ति है तेन उससे क्या होगा साध्यवत अन्यस्मिन धूम अवयवे हमारा उदाहरण क्या है पर्वतो वहनीमान। और साध्य क्या है, पे? वहनी। कौन है पर्वत और तद भिन्न कौन है जल हृद कर जल हृद को नहीं लेंगे अब हम बदलते हैं उदाहरण को अब हम क्या लेंगे धूम का अवयव वो भी तो तद भिन्न है ना क्योंकि हमें तो तद भिन्न लेना है ना तो एक धूम का अवयव है वो भी तो इस पर्वत से अलग है ना साध्यवान से अलग है ना पर्वतो वनिमान और उससे भिन्न क्या लिया हमने धूम का एक अवयव तो कह रहे हैं वहां तो धूम के अवयव में तो धूम का संयोग रहता है कि नहीं रहता है धूम के अवयव में धूम रहता है कि नहीं रहता है अग्नि के अवयव में अग्नि रहता है कि नहीं रहता है और किस संबंध से रहता है अग्नि के अवयव में